हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? और मेरे शेयरों, क्या हाल चाल? होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जामिया का जो 15 नवंबर को बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए बीएससी ज्योग्राफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाला है। उससे रिलेटेड कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला है कि लास्ट 24 आवर में हम कैसे तैयारी करें, सर क्या करें, बहुत घबराहट हो रही है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों घबराना? व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ वरिंग? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बी रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन, सिर्फ काम डाउन, रिलैक्स करने की जरूरत है। अब कुछ नहीं करना, जो करना था कर लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आपको करना क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने का क्या वे है बेसिकली, राइट? तो सबसे पहले तो आपको, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आप रिलैक्स करें, काम डाउन, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आपको अप्रोच करना है। घबराए मत, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तो दिमाग में चलती रहती है, है नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में, कोई किसी भी चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आगे क्या होगा, ठीक है? आगे जो होने वाला है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान देना है एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओनली वी नीड टू फोकस ऑन आवर परफॉर्मेंस, राइट? छोड़ दो, आगे के बारे में सोचना छोड़ दो। कितने बच्चे हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, कितना नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट आवर पार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कस करूँगा। मैं किसी कंटेंट की बात नहीं करूँगा। एग्ज़ाम में कैसे जाना है, कैसे लड़ना है, कैसे परफॉर्म करना है, सिर्फ आपको परफॉर्म करना है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। आप जैसे देख सकते हो, जो महान क्रिकेटर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, या महान स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनका आप देखते हैं बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने सक्सेस किया है बेसिकली, आई वुड लाइक टू यू नो फोकस ऑन दैट, उन पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो इस चीज़ पर चिंता नहीं करते कि कौन है, स्टेडियम में कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, क्या होगा, अच्छा खेलेंगे, अच्छा करेंगे तो बुराई मिलेगी, लोग बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, लिव इट, भूल जाओ सब। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जो आपने किया है उसका बेस्ट आपको निकालना है, आउटपुट निकालना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है? अब आपको करना है क्या, जैसे आप रेगुलर स्टडी करते हैं, ट्राई टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव स्टडी अर्लियर, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है? बट रिवाइज करो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल पैटर्न है उस तरीके से करो आप बैठ करके। लास्ट टाइम में रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि बहुत डीपली आपको स्टडी नहीं करना, सरफेस नॉलेज लेते हुए पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाह रहे हो तो करंट अफेयर्स में देख सकते हो कि भाई ये इवेंट हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, जैसे पार्टिकुलर इवेंट है उसको आप देख करके आगे बढ़ो, बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी, विदाउट गिविंग टू मच टाइम ऑन दैट, राइट? आपको ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, फिर आपके बाद को रीजनिंग का पार्ट हो गया, रीजनिंग के अंदर भी आप जो है बेसिकली उसको अपने प्रैक्टिस किया होगा पहले, है ना, प्रैक्टिस मॉडल पेपर के थ्रू, या आप, मैं कह सकता हूँ जिनके पास बुक्स होगी, अलग अलग स्टडी मटेरियल होगा डिफरेंट वे में, उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है? आपने प्रैक्टिस किया है, दैट विल बी ग्रेट, ठीक है? तो रीजनिंग को आप देख सकते हो कि नंबर सीरीज का एग्जांपल हो गया, या कैलेंडर हो गया, या मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डीकोडिंग हो गया, जो भी टॉपिक्स हैं एक्स वाई जेड, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा किस तरीके से करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग के अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप सीधा परफॉर्म करने लग जाओगे। करंट अफेयर रिवाइज करो, आएगा, सीधा कर दोगे। फिर बात करते हैं, अगर जैसे कोई बच्चे बीएससी ज्योग्राफी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, वो ज्योग्राफी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बस रिवाइज करें जल्दी 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 करके आगे बढ़े। या जो इंडियन पॉलिटी बीए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पर थोड़ा सा वर्क कर लें, वर्क जल्दी 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 रिविजन कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है? थोड़ा सा आप आर्टिकल के बारे में नॉलेज ले लें, थोड़ा आप क्या नाम है, आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट होता है, उन सबको थोड़ा सा आप देख लें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, कई सारे राइट्स होते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद कुछ सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह वो देख सकते हैं। तो बट आप करें जैसा आप करना, जल्दी जल्दी रिविजन करें, बट ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। आपको कल 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रहा हूँ बेटा, 5 PM, क्या लिख रहा हूँ, 5 PM, 5 PM के बाद आपको कॉपी किताब को छोड़ देना है और भूल जाना है कि क्या होने वाला है। बस 5 बजे शाम के टाइम उठो, आपको बस 5 बजे के बाद जो भी आपका आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड वगैरह का प्रिंट आउट वगैरह,
पहले करके रख लो आप, अगर आपने पहले रख लिया तो वेल एंड गुड। ठीक है, पेंस वगैरह जो है आपकी, जो भी चीज़ें चाहिए, घड़ी वड़ी सबका अरेंजमेंट करके आराम से रिलैक्स होना है। उसका किताब वगैरह में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा आप इंजॉय करो, घूमो फिरो। वैसे ही कल दिवाली का दिन है, सेलिब्रेट करो, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, क्या होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे ना यार, बहुत टाइम है डिस्कस करने का। फिर कल शाम के टाइम दोस्तों के साथ जाओ, थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, थोड़ा रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना वाना खाओ, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। ठीक है, रिलैक्स रखना है माइंड को, पैनिक नहीं होना, डोंट पैनिक, फील गुड, थोड़ा रिलैक्स होकर के जो ना हम करेंगे। हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं बेटा, हमको बस एग्ज़ाम हॉल के अंदर परफॉर्म करना है बिना किसी चीज़ को ध्यान देते हुए। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको क्या करना है, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे, पहली चीज़ ये है कि OMR डिटेल्स को बहुत सोच समझ के आप फिल करेंगे सबसे पहले, रिलैक्स होकर के। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो OMR शीट के अंदर गलती कर देते हैं और उनका नाम नहीं आता, कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। फील्ड ही गलत भरोगे तो आपका वो रीड ही नहीं करेगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। पहली बात तो ये है। सेकेंड चीज़ क्या है, अब एग्ज़ाम के अंदर आप बैठ गए हो, हैं आप, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैंने पहले ही बोला था प्रैक्टिस मॉडल पेपर लेने, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रैक्टिस मॉडल पेपर से रिलेटेड, मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रैक्टिस करना है आपको, है ना, स्पीड बढ़ाना है। तो बेटा जैसे आपको मालूम है कल का जो एग्ज़ाम है 90 मिनट्स का होने वाला है, राइट। 90 मिनट्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इफेक्टिव अगर 90 मिनट्स की अगर मैं बात भी करता हूँ बेटा, टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेगा नहीं, मान के चलो 85 मिनट्स इफेक्टिव आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा, राइट। और इस 85 मिनट्स के अंदर आपको OMR शीट के अंदर सर्कल भी करना होगा। अगर मैं OMR शीट के अंदर 100 क्वेश्चन को आप सर्कल करने अगर जाते हो, एक OMR मतलब एक सर्कल को जब इन सर्कल करने जाते हो, अगर मान के चलो 5 सेकंड्स का टाइम लगेगा, तो मैं मान के चलता हूँ लगभग 10 मिनट्स आपके वहाँ पे लग जाएंगे फिलअप, तो बच गए कितने, 75 मिनट्स। अब देखो 75 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, राइट। अब 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो कैसे करोगे, तो बेटा जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आपको स्टार्ट करना है, ताकि बेटा आपका टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, कम लगेगा। जनरल अवेयरनेस के बाद आपको सोशल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखना है, जो आता है उसको कर डालना है, और जो नहीं आता उसमें स्टिक नहीं होना, हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम नहीं है हमारे पास बेटा, टाइम को बचाना है, जल्दी करना है, जल्दी कर करके आगे बढ़ना है, टाइम बचेगा आगे हमारा, हमें काम आएगा, हमें आगे बेनिफिट होने वाला है, टाइम बचा करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, जो आएगा उसको टिक करेंगे, जो नहीं आएगा आगे बढ़ेंगे, राइट। फिर हम लोग सोशल अवेयरनेस करेंगे, जो आएगा ठीक है, जो नहीं आएगा आगे बढ़ेंगे, राइट। फिर सोशल अवेयरनेस के बाद आप इंग्लिश वाला पोर्शन है वो जल्दी से कर लो, जो आता है गुड, जो नहीं आता है उसको आगे। अगर पैसेज वाला क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर, अगर पैसेज अगर आ गया एग्जाम के अंदर, तो बेटा मैं आपको एडवाइस करूंगा पैसेज लास्ट में करना, शुरू में मत करना, इट विल वेस्ट योर टाइम, राइट। उसके बाद आपको रीजनिंग करना है, वो भी जल्दी से, आप रीजनिंग का एक टाइम स्लॉट कर लो। जैसे जनरल अवेयरनेस को अगर आपने मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ आपको 10 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर भी मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, आप 5 मिनट्स का स्लॉट रखो, कि जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 5 मिनट्स आप कर डालो। एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है वो हमें डिस्कस करना है, वो मैं आपको बताऊँगा, समझ में बात नहीं आई आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर पैनिक नहीं करना, जो प्रिपरेशन हो गया हो चुका, आगे हमें कुछ नहीं सोचना, अब जो सोचना है हमें उस मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, इफिशियंसी अपनी बाहर निकालनी है। मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालेंगे, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, स्पीड के थ्रू निकालेंगे, जो आता है करो, जो नहीं आता है उसको सर्कल करके आगे बढ़ो, वी डोंट नीड टू वेस्ट द टाइम, राइट। फिर हम सोशल अवेयरनेस को जाएंगे, इसका भी एक 5 मिनट्स का स्लॉट आप रख लो, ठीक है, एंड इंग्लिश को भी 5 मिनट का स्लॉट, को ज़्यादा नहीं देना आपको, और रीजनिंग का भी जो है बेसिकली 10 मिनट्स का, यानी आपके पास 25 मिनट्स के अंदर, हम ये कह सकते हैं 25 मिनट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा जो है पेपर आपने देख लिया, जो क्वेश्चंस आता था वो आपने कर लिया। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 25 मिनट्स के अंदर हमारा जो पेपर है बेसिकली वो पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब ये हो गया कि हमने फर्स्ट राउंड खेल लिया, मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमें आता था वो 25 मिनट्स हमने कर लिया, राइट बेटा। अभी भी मैंने आपको बताया जैसे 75 मिनट्स हमारे पास इफेक्टिव था, इफेक्टिव 90 मिनट्स का टाइम होगा हमारे पास, 90 मिनट्स में से 75 मिनट्स हमने कर लिया, राइट। 75 मिनट से 25 मिनट्स हमने यूज़ कर लिया, एंड उस 25 मिनट्स हमने पूरे चारों सेगमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए।
दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको लास्ट में करना है, शुरू में मत करना, क्योंकि वो सिलेबस में तो पहली बात नहीं है। 2019 में आ गए तो एक अलग से बात थी, आ गया तो देखेंगे, नहीं आ गया तो बहुत अच्छी बात है, व्हाट अ बिग डील। फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, सेकेंड राउंड में आप जाओगे। जैसे ही आप साओगे सेकेंड राउंड के अंदर आप गए हो बेटा, आपको क्या करना है, आपको जो वो क्वेश्चन जो आपने सर्कल करके छोड़ दिया उस पर आपको थोड़ा सा माइंड देना है, थोड़ा टाइम देना है। फिर अगेन जनरल अवेयरनेस में जाओ, सोशल अवेयरनेस में जाओ, है ना। सबको आप 5 मिनट्स का अलग दोबारा सेगमेंट्स का टाइम दे दो, 5 मिनट्स घड़ी देखते हुए 5 मिनट देना, ज़्यादा टाइम नहीं देना, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करना है, पैनिक तो होने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी अपनी इफिशियंसी निकालनी है, आउटपुट निकालना है, राइट। जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ठीक है। फिर देन आपकी बात करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, एंड रीजनिंग जो हमारा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन का होगा, उसके अंदर थोड़ा सा माइंड लगता है, ठीक है, वो आप कर ले। और रीजनिंग के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ थोड़ा सा आप ट्रिक पहले से तैयार करके चले जाओ, जैसे अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग हो गई, ए को 1 नंबर असाइन करते हैं, बी को 2 करते हैं, तो वो जो नंबर है, और रिवर्स ऑर्डर भी आप पहले तैयार कर जाओ, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड अगर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं तो बनाने में ए बी सी डी लिखने में बेटा टाइम लग जाता है, तो उसकी आप पहले से आप याद कर लो। एग्जांपल के मैं तौर पर बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो पहले से आप कल का दिन बचा है उसको अच्छे से आप देख लो, ठीक है। सेकंड राउंड में जाओगे आप, इसके अंदर फिर 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स दो, और अगेन 25 मिनट्स का आपका ये सेगमेंट तैयार है। आपको करना क्या है, हर राउंड के अंदर 25 मिनट्स का आपने लिया क्वेश्चंस किया, उसके साथ सीधा जाकर के ओएमआर शीट को भर लो बेटा, छोड़ो नहीं, ठीक है। फिर अगेन सेकंड राउंड में जाओगे, फिर ओएमआर शीट को आप भर लोगे, मतलब 25 25 और ओएमआर शीट मान के चलो 5 मिनट्स ऊपर, और यहाँ पे फर्स्ट राउंड में और 5 मिनट्स आपका सेकंड राउंड में, यानी 10 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका थर्ड राउंड बचा है, थर्ड राउंड में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया है उसको आप देख करके इजिली कर सकते हो, मतलब ये हो जाएगा 75 मिनट्स में पूरे पेपर को 3 टाइम्स आप सॉल्व कर पाओगे बेटा। ये तभी अचीव हो पाएगा, देखने को ये हाइपोथेटिकल लग सकता है कुछ लोगों को, बट ये तभी हो पाएगा जो आप थोड़ा, आपको मैंने पहले एडवाइस भी दिया था प्रैक्टिस मॉडल पेपर लेकर के, थोड़ा सा आप है ना, थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ो। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉडल पेपर वगैरह परचेज नहीं करते हैं, ठीक है, या चलो मॉडल पेपर आप मत लो, बहुत सारी बुक में आपको लास्ट ईयर का पेपर मिल जाएगा या एक सेट्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने की आपको कोशिश करनी है, और जो भी नहीं हुआ है तो आप जो टाइम मिला है उसके अंदर आप स्पीड बनाना है। एग्ज़ाम के अंदर जा करके लेथार्जिक नहीं होना, आपको सुस्त नहीं होना, अभी सुस्ता लो भाई, अभी नींद ले लो, खेलो धूपो। कल 5 बजे के बाद कोई भी बच्चा है ना पेन एंड कॉपी को हाथ में लगाएगा, रिलैक्स करो, कूल करो, बाहर घूमो, ठीक है, चाय वाय पियो बिंदास, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से नींद लो, है ना। बहुत सारे को देखा है बच्चों को ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में लास्ट जो जो आप लोगों ने साल भर में नहीं किया, लास्ट में 2-3 घंटे में आप क्या कर लोगे, कुछ उखाड़ तो पाओगे नहीं और कुछ उखाड़ पाएगा भी नहीं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं। आराम से रिलैक्स करो, क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड गेम विल मेक यू टू दैट लेवल, राइट। देयर इज ओनली माइंड, माइंड को काम रखेंगे तभी चीज़ें हमारी हो पाएंगी, राइट। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको एग्जाम से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो आपको लेकर के नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो ध्यान रखना बेटा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आई एम विद यू, और उसके बाद क्या होगा कितना करेंगे, आपका बस कल एग्ज़ाम के अंदर टारगेट ये रहना चाहिए 60 to 70 के बीच में आपका स्कोर रहना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके चांसेस बेटा बहुत ब्राइट हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं है ना वो क्या करते हैं बताऊँ, सर कुछ बच्चे हैं मेरे और भी स्टूडेंट्स से बोलते हैं, सर 100 मार्क्स नहीं कर के आएंगे तो कैसे होगा क्या होगा। बेटा मैं आपको अगेन बोलना चाह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट मत करना, जितना आता है उतना करके आना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके मत आना, जो नहीं आता उसको छोड़ना, थोड़ा दिल बड़ा करना बेटा, ठीक है। दिल बड़ा जो करेगा है ना, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही होती चलेंगी, है ना। दिल बड़ा करने का मतलब ये नहीं पूरा पेपर छोड़ के आना है, बट हाँ जिसमें डाउट हो, जिसमें नेगेटिव होने के चांसेस आपको लग रहे हैं उसको आपको अटैम्प्ट नहीं करना। बहुत सारे मैंने केस में देखा है कि किसी बच्चे ने 55 के आसपास उन्होंने स्कोर किया और देखा भाई 55 में तो ना, तो सर ने बोला था 60 to 70 करना है, अब भैया होगा नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, अब क्या होगा भाई, एक काम करो सब पे जो है टिक टिक मतलब जो है ना तुक्का लगा के आगे 20-30 क्वेश्चन पे। अब भाई देखो 55 भी अगर आप करके आए हो तो 55 इज़ नॉट अ बैड स्कोर, फर्स्ट लिस्ट में नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कई सारी लिस्ट आती है उसमें ना आपका आने के चांसेस हो सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा,
बेटा कट ऑफ बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा इजी लेवल, अगर क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ जाता है और टफ आता है तो घट जाता है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ बेसिकली हमारे अकॉर्डिंग जैसे हमको लग रहा है जामिया के अकॉर्डिंग, जैसे बाकी एग्जाम्स के पेपर्स हमने देखे हैं थोड़ा लेवल टफ है, कट ऑफ थोड़ा कम जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो टाइम आवर है आपके पास 1.5 घंटा वो भी कम कर दिया है, तो मैं आई एम 100% श्योर मैक्सिमम बच्चे पूरे 1.5 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट पेपर नहीं हो पाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपको राउंड में खेलना ही होगा तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज बेटा पेपर देख करके आप लेथार्जिक हो करके अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो चीज़ें और होती चली जाएंगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तब भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। अगर नहीं भी किया तो आप थोड़ा एक्टिव रहना है, आपको जल्दी जल्दी करना है, जो आता है आगे बढ़ना है। आया क्वेश्चन आगे बढ़ा, नहीं आया खोल करके छोड़ दिया आगे बढ़ा। अच्छा ये आता है ये आता है ये आता है, जैसे करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो नमस्ते ट्रंप का जो इवेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक है, वो गुजरात में हुआ था, स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है मॉन्टेरे स्टेडियम वहाँ पर हुआ था, तो एग्जाम्पल आ जाए तो हम मॉन्टेरे स्टेडियम ऑप्शन मारे हैं तो टिक किया, नहीं आता तो नहीं आता भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो उसको सर्कल करेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं आता आता है अच्छा टिक करते हैं, नहीं आता आगे बढ़ेंगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के डिफरेंट वैरायटीज बनते हैं, उस वैरायटीज को आप देखो लेकिन डोंट वेस्ट दैट टाइम। देखो टाइम घड़ी अपने पास जरूर लेके जाना, देखना भाई एक भी क्वेश्चन के अंदर 3 सेकंड्स के अंदर पूरा क्वेश्चन, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, आता है टिक करो, नहीं आता आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ये नहीं कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन पढ़ करके अच्छा इसका आंसर ये हो सकता था, वहीं पर सोचने लग जाएगा अच्छा इसको यहाँ पर पढ़ाता वहाँ पढ़ा, ये भी करने की जरूरत नहीं। सेकंड राउंड मिलेगा आपको, थर्ड राउंड मिलेगा आपको, उसमें आप सोचना, अभी मत सोचो आगे बढ़ो, इसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और बेटा एक बात और चीज़ बता देता हूँ, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर जामिया इज़ आवर लास्ट होप, ये बड़े बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं जामिया इज़ आवर लास्ट होप, ऐसा क्या होता है, क्या होता है लास्ट होप, क्या जामिया के अंदर मतलब जामिया है तो ज़िंदगी है, ऐसा है क्या? बेटा कुछ भी नहीं है, आपको आगे बढ़ना। आप अगर देखो ना तो टॉप जो IAS के जो बच्चे हैं जो फर्स्ट रैंकर है, क्या जामिया के स्टूडेंट है क्या है? जो IIT जो निकाल रहे हैं जो फर्स्ट रैंकर हैं, क्या जामिया के स्टूडेंट है क्या? जो दुनिया को लीड कर रहे हैं क्या जामिया के स्टूडेंट है क्या? बट मैं ये भी कहूँगा कि जामिया इज़ वन ऑफ, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट रैंक है इसकी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जामे में हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है, दिल बड़ा करो, रिलैक्स होकर एग्जाम देना है विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस ऑन द माइंड, खुश रहो, अब वो टाइम है खुश रहने का और मैक्सिमम अपना आउटपुट देने का। तो दोस्तों ये तो मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, कुछ बच्चे घबरा रहे थे और मैं सोच रहा था वीडियो के थ्रू आपको सबको आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि 1 बाय 1 सबको रिप्लाई करना मैसेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। So I hope that the message has been conveyed to you, and I really want you, all of you, to crack the entrance examination. And dosto, I wish great good luck for upcoming Jamia entrance examinations, and also I wish good luck, and also I wish happy Diwali to all of you friends. So friends, see you in the next video. Till then, bye bye. Enjoy your exam, right?